अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है पैरेलल एल्गोरिथम। पैरेलल एल्गोरिथम क्या होता है? इट्स एन एल्गोरिथम दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली रिटन फॉर एग्जीक्यूशन ऑन ए कंप्यूटर विद टू और मोर प्रोसेसर्स। क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल एल्गोरिथम जो है एक ऐसा एल्गोरिथम होगा जिसमें आपके पास जो कंप्यूटर है उसके दो या तीन प्रोसेसर्स बेयर करता होगा और उसके ऊपर जो है आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाओगे। इट कैन रन ऑन कंप्यूटर्स विद अ सिंगल प्रोसेसर, इसमें आपके सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर के ऊपर भी ये रन हो सकता है और जो आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं उनके साथ भी। एंड मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स हैं, पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट्स हैं, पाइपलाइन मेमोरी सिस्टम्स हैं, हर एक सिस्टम जो है वो उनके साथ आप पैरेलल एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं। एल्गोरिथम डिवेलपमेंट जो है हमेशा से ही एक क्रिटिकल टास्क रहा है जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप थ्रू एल्गोरिथम्स एंड स्पेसिफिकली यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। जब हम सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करते थे, सिक्वेंशियल कंप्यूटिंग में हम सिक्वेंशियल एल्गोरिथम्स को यूज़ करते थे, तो उसमें जो बेसिक फोकस होता था वो क्या था? सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम यूजिंग अ सीरियल कंप्यूटर। उसमें आपको एक सीरियल कंप्यूटर रिक्वायर होता था और उसके ऊपर जो है आप अपने स्टेप्स को, जो भी आपके स्टेप वाइज आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आप उस पर पुट करके अपना आंसर डिराइव करते थे। जबकि पैरेलल एल्गोरिथम जो है ये आपको बताता है हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स गिवन है और उनसे जो है आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। पैरेलल एल्गोरिथम जो है इसमें आपके पास इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट स्पेसिफाइंग द स्टेप्स। एक तो चीज़ आती है कंकरेंसी और दूसरा है सेट्स ऑफ स्टेप्स डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। ये दोनों जो है हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है समझने के लिए सिर्फ आप ये पॉइंट नोट कर लें कि पैरेलल एल्गोरिथम जो है उसमें इन दो चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है। सो What makes the parallel algorithm better? एक उसकी throughput और एक उसकी latency. Throughput क्या है? It's the number of operations done per unit time. एक unit time के अंदर जितने आप operations perform कर लेते हैं उसकी throughput है. And latency is the time needed to complete one operation. और जो operation आप perform कर रहे हैं उसको execute करने के लिए आपको कितना time require है, that's the latency. Now the steps that parallel algorithm encounter. In practice, specifying a parallel algorithm may include some or all of the following steps. अब इसमें से कुछ steps जो हैं वो involve हो सकते हैं depending upon your system जो आप use कर रहे हो। अगर आप multiple processors के साथ कर रहे हो और उसमें कितने processors involve हैं, pipeline fashion में आप कर रहे हो, जो भी आपका जो है architecture होगा उसके according आप अपने steps जो हैं वो include करेंगे। Identifying the portions of work that can be performed concurrently. ऐसे टास्क जो एक ही सीक्वेंस में जो है या एक ही टाइम पर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं उनको आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। देन आपने क्या करना है, मैपिंग करनी है उन टास्क की जो कंक्रेंटली परफॉर्म हो सकते हैं ऑन टू द मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग इन पैरेलल। अच्छा, अब ये एक चीज़ आ रही है कि ये टास्क जो है माइट बी पॉसिबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करते हों, ठीक है, इसीलिए हम उनको कॉन्करेंटली जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट आउटपुट एंड इंटरमीडिएट डाटा एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। नेक्स्ट, मैनेजिंग द एक्सेस ऑफ डाटा शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स। हमने जो है मैपिंग करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डाटा को जिस जिस प्रोग्राम के साथ वो एसोसिएट था उसमें से इनपुट और आउटपुट जो हमने वो डिराइव की है। उसके बाद हमने डाटा को मैनेज किया है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स में हमने ऑलरेडी मैप किया हुआ था। उसके बाद जो है हमने सिंक्रोनाइजेशन की है किनकी प्रोसेसर्स की एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द पैरेलल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो हमारे प्रोग्राम्स पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे थे उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसर्स की जो है वो सिंक्रोनाइजेशन की है कि वो एक ही टाइम पर अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके से जो है कोई भी पैरेलल एल्गोरिथम जब हम डिज़ाइन करते हैं अपने प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए तो इस तरीके से जो है हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और इनमें से कहें कुछ स्टेप्स आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, डिपेंडिंग अपॉन योर
computer architecture. Two key steps in the design of parallel algorithm. Dividing a computation into smaller computations, आपके पास एक जो है बड़ी problem है, बड़ा task है, उसको आपने smaller task में divide करना है. And then you have assigned them to different processes, और फिर जो आपने division की है, chop down किया है task को, उन तमाम task के pieces जो हैं, जो data के pieces हैं, उनको आपने different processes जो आपके architecture में involved हैं, उनको assign करना है. ये basic steps हैं जो कि हर parallel algorithm irrespective of the computing architecture follow करते हैं. Next, hardware requirements जो हैं parallel algorithm की, एक है उसमें पी रैम मॉडल, जो कि एक ऐसा मॉडल है जो स्टैंड्स फॉर पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन, विच इज़ कंसीडर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पैरेलल एल्गोरिथम्स. ज़्यादातर पैरेलल एल्गोरिथम्स जो हैं वो पी रैम मॉडल के ऊपर ही यूज़ होते हैं. हेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमरी. आपके पास एक मेमरी ब्लॉक होता है और उसके साथ मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं वो अटैच होते हैं, जैसे कि आपको इसके मॉडल के नेम से ही जाहिर हो रहा है. अ पीरियम मॉडल कंटेन्स अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेसर्स. एक प्रोसेसर का सेट होगा आपके पास. ऑल द प्रोसेसर्स शेयर अ कॉमन मेमोरी यूनिट. प्रोसेसर्स कैन कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स थ्रू द शेयर्ड मेमोरी ओनली, एंड अ मेमोरी एक्सेस यूनिट कनेक्ट्स द प्रोसेसर्स विद द सिंगल शेयर्ड मेमोरी. अब प्रोसेसर्स और आपके जो मेमोरी है उसके दरमियान एक इंटरफेस है जिसको मेमोरी एक्सेस यूनिट MAU के नाम से जाना जाता है, और ये जो है आपकी कम्युनिकेशन करवाता है विद दी प्रोसेसर एंड मेमोरी, यानी प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो MAU के थ्रू होती है. ये इसका बेसिक सा आर्किटेक्चर है जिसमें आपके पास यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी है और ये आपके प्रोसेसर्स हैं. एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये मेमोरी एक्सेस यूनिट है आपका, उसके साथ जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड है. प्रोसेसर्स जो है वो जब भी कम्युनिकेट करेंगे शेयर्ड मेमोरी से वो हमेशा MAU का यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ है कि एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ऑन एन नंबर ऑफ डाटा इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम. आप जो है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इसमें स्पेसिफाई नहीं है, आप कोई भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यूज़ कर सकते हो. दिस में रिजल्ट इन साइमल्टेनियस सक्सेस ऑफ सेम मेमोरी लोकेशन बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स. अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर इसका देखें तो आर्किटेक्चर में क्या है, जब एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं तो वो जो है वो इस टाइम क्या करें हैं, इस मेमोरी को एक ही टाइम में एक्सेस करें, ठीक है, जिससे मेमोरी जो है वो क्या हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है यहाँ पे हमारे पास. तो यही चीज़ आ रही है कि साइमल्टेनियस सक्सेस ऑफ सेम मेमोरी लोकेशन जो है वो आएगी, और उससे जो है हमारी मेमोरी डेफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम, और प्रोसेसर्स जो हैं वो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. फिर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेमोरी इशू आ जाएगा इसमें, उसमें कुछ जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं पीरैम मॉडल के ऊपर, और ये मॉडल जो है वो इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है. पहला है एक्सक्लूसिव रीड एक्सक्लूसिव राइट. हेयर नो टू प्रोसेसर्स आर अलाउड टू रीड फ्रॉम और राइट टू द सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम. अब इसमें क्या होता है, हम दो प्रोसेसर्स जो हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो रीड राइट ऑपरेशन जो है वो एक ही टाइम में, जब बाकी प्रोसेसर्स काम कर रहे होंगे, उनको हमने दो प्रोसेसर्स को सिंक्रोनाइज नहीं करना बाकी प्रोसेसर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो उस टाइम में जो है वो मेमोरी लोकेशन उनकी उस स्लॉट के लिए फ्री रहेगी. फिर है एक्सक्लूसिव रीड कॉन्करेंट राइट. हेयर नो टू प्रोसेसर्स आर अलाउड टू रीड फ्रॉम द सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम. अब रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, बट आर अलाउड टू राइट टू द सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम. यानी वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो है वो एक ही टाइम में कॉन्करेंट राइट की जो हमने फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है. उसके बाद है कॉन्करेंट रीड एंड एक्सक्लूसिव राइट. Here all the processors are allowed to read from the same memory location at the same time, but are not allowed to write the same memory location at the same time. इसमें जो है processors को read की हमने access दी है, but write की access नहीं दी at the same time. And in concurrent read and concurrent write, all the processors are allowed to read from or write to the same memory location at the same time. Again, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम limitations जो हैं, ये आपके problem domain के ऊपर डिपेंड करती हैं
जैसे आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग जो है इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाएगा। अब एक सिंपल सा पैरेलल एल्गोरिथम है जिसमें हमने एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो हैं वो ऐड किए हैं या एन नंबर्स जो हैं वो एक पैरेलल मैनर में थ्रू ट्री अप्रोच या ग्राफ अप्रोच हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि एग्जांपल ये है कि फॉर एट नंबर्स वी स्टार्ट विद द फोर प्रोसेसर्स एंड ईच ऑफ देम एड्स टू आइटम्स इन द फर्स्ट स्टेप। हमने जो है बेसिकली स्टार्ट जब लिया, यहाँ पर आप देखें इनिशियली ये एट थे, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर ये फोर प्रोसेसर्स हैं और हमने जो है हमेशा इसमें क्या किया है, हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेप के ऊपर जो है वो हाफ हो रही है, जो प्रोसेसर्स की अमाउंट है वो हाफ हो रही है। द नंबर ऑफ आइटम्स इज हाफ डेट एवरी सब्सिक्वेंट स्टेप। तो इसमें जो है हम क्या डिड्यूस कर रहे हैं कि लॉग एन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडिंग एन नंबर्स। हमने जितने नंबर्स जो है वो ऐड करने हैं यहाँ पर, हम जितने मर्जी चाहें इसको हम मज़ीद जो है इसके साथ नेक्स्ट लेवल भी इसका डेवलप कर सकते हैं कि हर एक के साथ हम टू जो नोड्स हैं वो अटैच कर दें। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि लॉग एन स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जो कि इस टाइम प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको बिग ओ के साथ डिनोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ एन, यानी एन नंबर ऑफ जो है आपके स्टेप्स इसमें आप लॉग एन स्टेप्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हो। अब हमने एनालिसिस कैसे करना है इसका, पैरेलल एल्गोरिथम इज एनालाइज्ड मेनली इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइम प्रोसेसर एंड वर्क कॉम्प्लेक्सिटीज। उसके टाइम पे प्रोसेसर के और उसकी वर्किंग कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं हमने ये मेजर करनी है किसी भी पैरेलल एल्गोरिथम में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको आप TN से डिनोट करते हैं ये बताती है कि हाउ मेनी टाइम स्टेप्स आर नीडेड। प्रोसेसर की कॉम्प्लेक्सिटी PN से डिनोट करते हैं हाउ मेनी प्रोसेसर्स आर यूज्ड, कि आपने कितने प्रोसेसर्स यूज किए हैं और आपने कितने टाइम लैप्स जो हैं वो कवर किए हैं अपना टास्क परफॉर्म करने में। एंड वर्क कॉम्प्लेक्सिटी जिसको आप WN से डिनोट करते हो वो ये डिनोट करता है कि वट इज़ द टोटल वर्क डन बाई ऑल द प्रोसेसर्स। जितने भी प्रोसेसर्स आपने अलॉट किए हैं उन्होंने कितनी वर्किंग परफॉर्म की है। अब इसको अगर हम यहाँ पर लिखें एग्जांपल में, तो TN इज इक्वल्स टू बिग ओ लॉग एन, PN इज इक्वल्स टू ON एंड WN इज इक्वल्स टू ON लॉग एन, ठीक है। यानी इसमें जो है हमारे प्रोसेसर्स भी इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कितना वर्क परफॉर्म किया है, यानी टाइम और जो हमारा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इन दोनों का जो है हमने मल्टीपल लिया है, वो हमारी वर्क कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है। हम कुछ एल्गोरिथम्स जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम वर्क कॉम्प्लेक्सिटी को कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी कंसीडर करते हैं, यानी हमारी जो है किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करने में कितनी कॉस्ट जो है वो हमने इस पर सर्व की है। कॉस्ट जो है वो एक्चुअली वर्क ही होता है, कि हमें जो है वो कितनी वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ी है। तो जब भी हमने पैरेलल एल्गोरिथम एनालाइज करना है तो उसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेसर कॉम्प्लेक्सिटी और वर्क कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना है। उसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो किसी ऐसी डोमेन से है जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसको जब आप डिज़ाइन करते हो पैरेलल पैराडिग्म के अंदर तो वो जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क। फिर पोर्टेबिलिटी इशू आ जाता है जिसमें आपका मेन जो है सबसे बेसिक वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है या नहीं जिस पे आप अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं। फिर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि एक पैरेलल एल्गोरिथम के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जिस पे आप पैरेलल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो वो उस PRAM मॉडल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो है कुछ रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स इसमें आती हैं। फिर स्केलेबल है कि आपका जो एल्गोरिथम है और जो आपका सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो कितना स्केलेबल है, कि अगर कोई चेंज हम इसमें इन्फर कर दें तो उस चेंज को बेयर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लाइक हमने प्रोसेसर्स की पीछे एग्जांपल देखी है कि अगर हम उसमें मज़ीद प्रोसेसर ऐड करें तो आपके एल्गोरिथम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी और उसकी वर्क कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी होगी। फिर नेक्स्ट आता है पैरेलल स्लो डाउन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो एक आपकी प्रोसेसिंग है जो कि पैरेललाइजेशन के थ्रू हो रही है, पैरेलल एल्गोरिथम के थ्रू हो रही है, वो स्पीड अप फैक्टर जो है उसको इन्हांस करे, ठीक है, स्पीड अप फैक्टर जो है उसको बढ़ाए।
आपको जब कोई भी टास्क जो है